हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए, बेहतर तो है मेरे, बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं बाईसाइक्लोअल्केन का नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने आपको साइक्लोअल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, उससे भी बहुत ही मजेदार आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बाईसाइक्लोअल्केन का नोमेनक्लेचर। कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि बाईसाइक्लोअल्केन है क्या। बाईसाइक्लोअल्केन समझ लेंगे, फिर नोमेनक्लेचर समझ लेंगे, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो दौड़ के जाइए, कहां कॉपी कलम लाने और जल्दी से बैठ जाइए और आइए इस ऑर्गेनिक क्लास में आनंद उठाइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, नोमेनक्लेचर बनाने का। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बाईसाइक्लोअल्केन है क्या, फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर देखेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे भाई जरा इधर आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नाम है, खूबसूरत सा नाम है, साइक्लोब्यूटेन। तो इस साइक्लोब्यूटेन में एक हमने और साइक्लोब्यूटेन जोड़ना चाहा। तो अब देखिए, इसको आपस में ज्वाइन करने के दो तरीके हैं हमारे पास। हमने क्या किया, दो कार्बन यहां और दो कार्बन यहां, इसको लाकर इस तरह से सटा दिए। तो अब जरा देखिए, तो क्या ये कुछ इस तरह से आकृति बनेगी, ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट्स देख तो रहे ही होंगे, थोड़ा ध्यान देना है। आप समझ गए, दोनों आके सट गए, यहां पर दोनों आके चिपक गए हैं। एक और भी तो तरीका हो सकता है दोस्त, कौन सा। हमने क्या, इसमें का कोई एक कार्बन और इसमें का कोई एक कार्बन, हमने इसको जोड़ दिया, तो क्या ये आकृति कुछ ऐसी बनेगी, बोलिए हाँ या ना। एकदम डेफिनेटली बनेगी दोस्त। अब यहां पर क्या करना है कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको बताएंगे इसमें बाईसाइक्लो का क्या मतलब। ये देखिए, ये साइक्लोप्रोपेन है और यह साइक्लोब्यूटेन, इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं। तो आप जोड़िए ना, इसके दो कार्बन और इसके दो कार्बन को जोड़ दीजिए। आपको रोक कौन रखा है, और एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको रोक दे। आपका हौसला, आपका हिम्मत, आपके जज्बात के आगे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो अड़ सके। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस चीज की कि आप खुद पर यकीन रखिए और आगे बढ़ते चलिए, और हम आपके तो साथ हैं ही। तो ये देखिए, ये एक इस तरीका से, और दूसरा तरीका ये हुआ कि यहां का एक कार्बन, यहां का एक कार्बन, इसको आपने क्या किया, जोड़ दिया, कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए तो ध्यान से, क्या कुछ ऐसा दिखेगा। इसको कहीं जोड़ सकते थे, यहां वहां कहीं पर दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने क्या किया कि लिया यहां पे, ये है साइक्लोब्यूटेन, और दोस्त इसका नाम बता दो आप लोग। हाँ हाँ जरूर बता रहे होगे, काश अच्छा होता कि आप हमारे सामने होते, आपकी बातें मैं सुन पाता। ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, यहाँ के दो कार्बन और यहाँ के दो कार्बनों को मैंने जोड़ दिया, तो कुछ ऐसी आकृति बनी, बोलिए ऐसी ही बनी ना, बनी कि नहीं बनी, ऐसी आकृति बनी ना। ऐसा करते हैं, एक कार्बन यहाँ जोड़ देते हैं, जरा देखते हैं कैसी आकृति बनती है। तो ये है साइक्लोपेंटेन और इसी में एक जगह हमने जोड़ दिया साइक्लोब्यूटेन। कहीं पर भी, किसी मोड़ पर, किसी कोण पर जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और एग्जाम्पल लिया जाए क्या, ये देखिए, ये है साइक्लोप्रोपेन, और दोस्त मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन। तो अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि दो कार्बन, यहां के दो कार्बनों को आपस में मिला दिए, तो कुछ ऐसी बनी आकृति। जानते हो, एक बात बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल मैथ की तरह, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ही आपको मजा आएगा और समझ आएगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन है। एक बार ऐसा करते हैं कि यहां के एक कार्बन और यहां के कार्बनों को आपस में हमने जोड़ दिया, तो कुछ ऐसी आकृति बनी। अब ये मैं बता क्या रहा हूं, अभी तो शुरुआत का, थोड़ा तो धैर्य रखिए। अब देखिए, बाई मीन्स होता है टू, इस बाई का क्या मतलब होता है, टू। तो बाईसाइक्लो, जिसमें दो साइक्लो आपस में जुड़े हों, तो देखिए इस कंपाउंड का नाम, जब दो कार्बन इसके, दो कार्बन इसके जुड़े ना, तो जो दोनों बना कॉम्बिनेशन से, उसका नाम हुआ बाईसाइक्लोअल्केन। तो ये हुआ बाईसाइक्लोअल्केन। और जानते हो मित्र, ये है स्पाइरोअल्केन।
स्पाइरोल्केन। आप कहेंगे बात तो स्पाइरो की नहीं हुई थी, कल होगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में होगी। आज बाईसाइकिलों को समझेंगे और कल स्पाइरो को समझेंगे। ये देखिए, ये हो गया बाईसाइकिलो, बाईसाइकिलो साइक सॉरी साइक्लोअल्केन, और ये हो गया स्पाइरो, स्पाइरोल्केन। मतलब ये हुआ कि दो साइक्लोअल्केन आपस में जब इस तरह से कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए, अटैच्ड हो जाए कि इसके दो कार्बन, इसके दो कार्बन आपस में सटे, तो बनता है बाईसाइक्लोअल्केन। और मित्र स्पाइरो का क्या डेफिनेशन देंगे, तो दो साइक्लोअल्केन आपस में इस तरह से अटैच हो जाए कि दोनों के एक एक कार्बन आपस में जाकर सट जाए, चिपक जाए, तो क्या बनता है, स्पाइरोल्केन। एकदम सही समझ रहे हैं, ये हो गया बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, और ये हो गया स्पाइरोल्केन, स्पाइरो। फिर एक बार बाईसाइक्लो, और ये हो गया स्पाइरोल्केन, स्पाइरोल्केन। तो इस तरह से बाईसाइक्लोल्केन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ऐसा करिए, एकदम फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं तुरंत आ जाता हूं नोमेनक्लेचर पर। अब भाइये आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, किसी भी बाईसाइक्लोल्केन बनाने के लिए ना आप क्या करिए कि एक साइक्लोल्केन बना दीजिए, ठीक है। उस साइक्लोअल्केन में किसी भी दो कार्बन को मिला दीजिए। ये देखिए, ये बाईसाइक्लो हो गया। अब कहेंगे जब इसी तरह से बनाना था तो पहले उतना सारा बात क्यों, एक्चुअली इसलिए आपको, अब देखिए जैसे ये हुआ, अगर इसको आप यहाँ से जोड़ देते हैं तो ये बाईसाइक्लो हो जाता है। आपको मुझे एक बात और बतानी है, बाईसाइक्लो में ये जहाँ तीन बॉन्ड आपस में मिल रहे हैं ना, ऐसा दो को जगह होगा। देखिए यहाँ पर तीन बॉन्ड, यहाँ पर देखिए यह है ना वो जगह जहाँ तीन जो बॉन्ड है आपस में जुड़ रहे हैं, तो जहाँ तीन बॉन्ड आपस में जुड़ रहे हैं इसको बोलते हैं ब्रिज हेड, ब्रिज हेड। तो इसमें कितने ब्रिज हेड हैं, ये भी ब्रिज हेड हुआ, ब्रिज हेड। अगर यहाँ पर बात करें ब्रिज हेड कहाँ है, तो ये है ब्रिज हेड। अच्छा दोस्त, ये भी तो ब्रिज हेड हुआ, और बाकी जो बच गए ये तीन गो, इसको कहा जाता है ब्रिज। ये तीनों हो गया ब्रिज। तो एक बाईसाइक्लोअल्केन में आप जरा ध्यान से देखेंगे, एक बाईसाइक्लोअल्केन में हमने इसको चाहे साइक्लोपेंटेन बनाया, दो ब्रिज हेड होते हैं, और ब्रिज कितने होते हैं, तीन। आप जरा ध्यान से देखकर बताइए ब्रिज हेड कहाँ है, तो ये ब्रिज हेड है। मैं दूसरे कलर का यूज करना चाहूंगा आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए क्लियर। ये ब्रिज हेड है, देखिए ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है। तो ब्रिज हेड कितने होते हैं, दो, और ब्रिजेज कितने हैं, तो ब्रिज एक, ये दो और तीन। अगर एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, मान लीजिए कि हमने इस तरह से लिया, साइक्लोहेक्सेन ही लिया हमने, और साइक्लोहेक्सेन को इस बार हमने ऐसे काटा, मान लीजिए कि इस तरह से, सॉरी आप ऐसे मिलाइए। तो अब बताइए ब्रिज हेड कहाँ है, जहाँ तीन बॉन्ड आपस में जुड़े, ये ब्रिज हेड हो गया, और एक ब्रिज ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और तीसरा ये हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि हमने ऐसे एक बनाया और इस तरह से किया, तो बताइए ब्रिज हेड कहाँ है। देखिए ये है ब्रिज हेड, जहाँ पर तीन बॉन्ड आपस में मिल रहे हैं ना, वो ब्रिज हेड है। और ब्रिज कहाँ है, तो एक ब्रिज यहाँ है, ये फर्स्ट हो गया, मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड नहीं है, हम लोग भी कर रहे हैं, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। तो एक बाईसाइक्लोअल्केन में दो ब्रिज हेड और तीन ब्रिजेज होते हैं। बात समझ में आई, कितने ब्रिज हेड होते हैं, दो, और ब्रिजेज कितने होते हैं, तीन। ब्रिज हेड की क्या पहचान है, तो आइए एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए कि ब्रिज हेड की क्या पहचान है। तो आपने ये एक बनाया और यहां पर ये बना दिया। अब बताइए, आप ध्यान से देख के बताइए उसमें ब्रिज हेड कहां है। तो ये आप कह रहे होंगे मन ही मन की ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड, क्योंकि यहां पर तीन लाइनें ये आकर जुड़ रही है, तो जहां तीन बॉन्ड कनेक्ट होंगे उसका नाम होगा ब्रिज हेड। और जो बच गए यहां से देखिए, यहां से चलेंगे एक ब्रिज, ये दूसरा का ब्रिज और तीसरा ब्रिज, तो ये एक, ये दो और तीन। तो किसी भी एक बाईसाइक्लोअल्केन में दो ब्रिज हेड होंगे और तीन ब्रिज होता है।
बात समझ आई आपको? तो इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये इसको नोट कर लीजिएगा। एक बाईसाइक्लोएल्केन है, उसमें दो ब्रिज हेड होंगे और तीन ब्रिजेज होंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा रिलैक्स होकर ये समझने की कोशिश किया जाए कि इस बाईसाइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर करते कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, नोमेनक्लेचर के लिए आपको सबसे पहले ब्रिज हेड की पहचान करनी होती है। ये हो गया ब्रिज हेड, इस कंपाउंड में देखिए ये ब्रिज हेड हो गया, इस कंपाउंड में ये ब्रिज हेड, मैंने पहले से कंपाउंड लिख रखा है ताकि समय बचेगा हम लोग का। यहाँ ब्रिज हेड है, आप समझ रहे हैं ना, ये ब्रिज हेड है। तो सबसे पहला काम होता है ब्रिज हेड की पहचान करना। उसके बाद आपके पास यहाँ से तीन ब्रिज निकलेंगे, एक हुआ, दो हुआ और तीन हुआ। हर ब्रिज में कार्बन की संख्या गिनते हैं, तो एक दो, इस ब्रिज हेड में दो, इसमें भी दो और बीच में एक भी नहीं। तो नाम देखिए कैसे लिखेंगे, नाम है बाई साइक्लो, ठीक है। उसके बाद गिनेंगे, यहाँ पर दो कार्बन, दो कार्बन, बीच में एक भी नहीं, तो लिखेंगे दो दो और बीच में जीरो। याद रखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ये इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, तो ये ब्रिजेज में जो कार्बन है उसको लिखते हैं, याद रखिएगा कि ब्रिज हेड को छोड़ करके। अब उसके बाद टोटल कार्बन गिन के लिखेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः, अथवा एक तरीका है कि हाँ जितना भी आपको नंबर है उसको जोड़कर उसमें दो जोड़ दीजिए, तो दो दो चार और यहाँ पर दो जोड़ते हैं हेक्सेन। मतलब कि इस बाईसाइक्लोएल्केन का नाम है बाईसाइक्लो 222 हेक्सेन। आइए जरा इसको समझते हैं, ये आपका ब्रिज हेड है। तो यहाँ से ब्रिज हेड से देखिए तीन रास्ते हमेशा निकलेंगे, एक इधर गया, एक यहाँ गया और एक यहाँ, और ये तीनों घूम फिर के उस वाले ब्रिज हेड पे पहुँच जाएगा। तो आप गिनिए इधर कितने कार्बन है, जितना मोड़ा एक दो कार्बन, इधर कितने हैं एक कार्बन, बीच में कितने कार्बन हैं एक भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाईसाइक्लो एक तरफ है दो गो, एक तरफ है एक और बीच में है जीरो, कितना हुआ दो एक तीन में जोड़ दिए पाँच, इसमें जोड़ के देखिए एक दो तीन चार पाँच, तो पेंटेन लिख देंगे। स्टूडेंट्स हमें लग रहा है कि शायद आप कहीं न समझ पा रहे होंगे, तो ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा बदल देते हैं और इसको इस तरह से कर दिए, इसलिए क्या हमेशा ये ना लगे कि जीरो ही आ रहा है, इसीलिए ऐसा किया हमने। तो ये देखिए ये आपका ब्रिज हेड है, इस ब्रिज हेड यहाँ सब छोड़ दीजिए इसको, और देखिए इधर कितने कार्बन, एक दो तीन चार, एक तरफ चार कार्बन हुए, दूसरी तरफ इधर बढ़ने पर एक और दो कार्बन हुए और इस बीच में कितने हुए एक हुआ, तो कुल मिला के कितना हुआ आपके पास, तो बाईसाइक्लो ध्यान दीजिए एक तरफ चार कार्बन, आप गिन के देखेंगे एक दो तीन चार, एक तरफ दो कार्बन और बीच में कितने हुए एक कार्बन, सब कितने हैं तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिख देंगे नोन एन, क्या लिख दिए नोन एन लिख दिए। स्टूडेंट्स इसका नाम लिखना है, आइए जरा सीखते हैं। यहाँ ये ब्रिज हेड हुआ, तो गिने इधर, यह कितने कार्बन एक, इधर कितने कार्बन एक, बीच में कितने जीरो, तो नाम क्या हुआ बाईसाइक्लो 110। टोटल कार्बन कितने हो? एक दो तीन चार, या दो जोड़ दिए एक और दो, उसमें दो जोड़ दिए ब्यूटेन। अच्छा है स्टूडेंट्स, एक यहाँ भी समझ लिया जाए, ये देखिए ये है ब्रिज हेड, तो इधर कितने कार्बन एक दो इधर हैं, इधर कितने दो और बीच में कितने हैं जीरो, तो नाम क्या होगा बाईसाइक्लो 220। कितना हो जाएगा बोलिए, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ से कहने एक दो तीन चार पाँच छः हो गया, तो दो दो चार दो छः हो जाएगा हेक्सेन। आइए तो जरा फिर से समझ आ जाए, यहाँ देखिए तो हमने ऐसे बनाया, ये है बाईसाइक्लोएल्केन। स्टूडेंट्स इसका नाम, तो सबसे पहले ब्रिज हेड खोजो दोस्त। तो ब्रिज हेड घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना, मैं बोल रहा हूँ एकदम नहीं घबराना है। इतने सारे एग्जाम्पल बनाएंगे हम लोग, आज अगर वीडियो में नहीं क्लियर होता कल बनाएंगे, फिर परसों बनाएंगे। तो देखिए यहाँ यहाँ ये ब्रिज हेड हुआ, अब यहाँ से चलो, यहाँ से तीन रास्ते निकलेंगे और वहाँ पर पहुँचेंगे, तो गिने कितने कार्बन है एक, पहुँच गए एक ही हुआ, इसमें देखिए एक दो पहुँच गए, देखिए अब बीच में यहाँ पर कितने हैं तो एक है, तो नाम क्या हो गया, तो बाईसाइक्लो 2 और 1 1,
टोटल कितने कार्बन है, तो जोड़े दो और दो चार, मतलब छः कार्बन होंगे, जितना भी होगा उसमें दो जोड़ दीजिएगा। अच्छा ये देखिए, फिर हमने एक इसी तरह का लिया, लेकिन इस बार हमने इस तरह से कर दिया ये। तो अब ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ये बना चुके हैं, केवल देखने में आपको अलग दिख रहा है। देखिए ये ब्रिज हेड हुआ, तो ब्रिज हेड इधर कितने एक हैं, बीच में कितना एक है, इसका मतलब क्या नाम हुआ, अभी तो लिखे हैं, देखिए 22 साइक्लो 11 कहाँ गया, 22 साइक्लो 110 है ये, तो ये हो गया 22 साइक्लो। देखिए इधर में कितने कार्बन, 1 पहुंच गए, बीच में कितना 1 और इधर इधर, तो 111 और टोटल कितना हुआ, 3 2 5 10 10। बोर तो नहीं हो रहे ना, मेरा मन तो कह रहा है कि आपको एक गाना सुना दें, लेकिन रात हो गया है दोस्त और आसपास में लोग सो रहे हैं, सोचेंगे कि ये भाई ये मास्टर जो है पढ़ाता है कि गाना गाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आप पहचानिए, ये है ब्रिज हेड, ठीक है। तो इस ब्रिज हेड में बीच में दो कार्बन, इधर दो कार्बन, इधर दो कार्बन, नाम बोल दो यार कम से कम एक बार, बोलिए नाम, 22 साइक्लो 2 2 2 हुआ, देखिए 2 2 और 2, इसको छोड़ देना है, तो कितना लिखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेन। थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए। काश मैं आपकी कमेंट अभी कभी देख पाता, आप हमारे साथ वीडियो देखते हैं और कमेंट देखते हैं, जल्दी हम लोग लाइव भी आएंगे, इसको नोट करिए ठीक है। उसके बाद दूसरे एग्जांपल बता रहे हैं आपको। आइए स्टूडेंट, थोड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करिएगा, पता नहीं मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ देखिए ये ब्रिज हेड हुआ, तो इस ब्रिज हेड को छोड़ दीजिए, तो यहाँ से देखिए इधर रास्ता जाता है, इधर जाता है और इधर आता है, हर में एक रास्ते में ये दोनों घूम फिर के यहीं पे आएगा। तो इसमें देखते हैं मोड़ एगो है दो गो है, इस रास्ते में एगो मोड़ है और इसमें कितने दो, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका नाम होना चाहिए 22 साइक्लो 2 2 और 1, इधर दो गो है, इधर दो गो और बीच में कितना एक, सब मिला करके जोड़िए 2 और 2 4 1 5 5 2 7, मतलब इसमें सब मिला के 7 गो कार्बन होगा, आप गिन करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका नाम जरा बताइएगा, मैं समझ चाहता हूँ कि एकदम आप सीख ही लीजिए, इसमें बहुत तरह के हैं, अभी और आगे बताएंगे, एक और वीडियो इस पर बनाना होगा मुझे। तो देखिए ये तो ब्रिज हेड हुआ, तो इस ब्रिज हेड में इधर बढ़ेंगे और इधर बढ़ेंगे, तो आप देखिए यहाँ से कि यहाँ पर 1 2 3 हुआ, तब तक यहाँ पहुँच गए, हमको यहाँ पहुँचना था, फिर इधर पहुँच रहे, तो 1 2 फिर पहुँच गए और बीच में एक, तो एक तरफ है 3 गो, एक तरफ है 2 गो और बीच में कितने एक है, तो नाम होगा 22 साइक्लो 3 2 1, जोड़िए इसको, 3 और 3 6 हो गया, तो 6 और 2 8, मतलब ऑक्टेन। यहाँ पर आइए, ये देखिए ये ब्रिज हेड हुआ, बोलिए हुआ ना, इधर देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, अब बीच में 0 कार्बन, तो हम लिखेंगे इसका 22 साइक्लो, एक तरफ है 4, दूसरी तरफ 4, बीच में है 0 4 4 8 2 10, तो डेकेन हुआ ना, 10 के लिए क्या लिखते हैं, डेकेन। स्टूडेंट अच्छा तो ये होता कि आप लोग इसको बना दिए होते, तो बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा, ये है आपका, यहाँ पर जोड़िए 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 इधर है और बीच में 0, तो 22 साइक्लो कितने हैं, बोलिए, एक तरफ 4, एक तरफ 3, बीच में 0 4 3 7 2 9 हो गया, तो नोने नाम हो गया। स्टूडेंट्स इसको ज़रा ट्राई कर लीजिए, इसको ट्राई करने के लिए ये देखिए आपका ब्रिज हेड हुआ, इधर 1 2 3 4 कार्बन, इधर है 2 कार्बन, बीच में 1, तो एक तरफ 4 22 साइक्लो 4, एक तरफ हुआ 2 और बीच में 1 कितना हुआ, तो 4 3 7 7 2 9, नो नैन, ये भी हुआ नो नैन हुआ, 4 2 6 सॉरी 4 3 7, ठीक है। अब इसको देखिए, तो 22 साइक्लो ये ब्रिज हेड हुआ, जहाँ 3 जुड़े हुए ब्रिज हेड हो गया, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 सॉरी 2 गो इधर, बीच में 1 गो और 1 इधर, तो क्या हुआ नाम, इसका नाम हुआ 22 साइक्लो 2 1 1,
कितना हुआ? तो जोड़े चार, चार दो छः हेक्सेन हुआ। तो जल्दी से उतारिए और कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दे दिया है। आप कोशिश करिएगा कि बनाएं, बना करके मुझे व्हाट्सएप करें। बने न बने एकदम रिलैक्स रहिएगा, हम हैं ना आपके साथ, छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक कि आप सीख न जाएं। तो इसी टॉपिक पे अगला वीडियो भी हम लोग बनाएंगे इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पढ़ाई का तो ख्याल हम रखेंगे ही, आप रखेंगे ही। विदा लेते दूसरे से, जय हिंद, जय भारत।